हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे फ्रेंड्स हम कच्चे केरी की अचार। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बनती है, बहुत कम टाइम में अचार खाने लायक बनके तैयार हो जाता है। सिर्फ दो दिन में ये अचार आपका खाने लायक हो जाता है, बनके तैयार हो जाता है। बिल्कुल नया रेसिपी है फ्रेंड्स, पंजाबी स्टाइल ये अचार की रेसिपी है। चलते फ्रेंड्स रेसिपी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में पानी लेंगे और जितना आप आम लिए हैं उस आम को अच्छे से धो लेना है और अच्छे से रगड़ के धो के साफ कर लेंगे दो तीन पानी। और काटने के लिए मैं पेंसिल ले रही हूँ, आप चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन चाकू से जल्दी ये आम कटता नहीं है, गुठली वाली है, तो आप भी पेंसिल ही यूज करें। और इस आम को हम काट लेंगे दो भाग में, उसके बाद दो भाग में कर देंगे। एक आम से हम 4 से 8 पीसेस बनती है फ्रेंड्स, 8 पीसेस बन जाती है और इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। आप चाहे तो छोटा छोटा भी पीसेस कट कर सकते हैं। सारे आम को काट के मैं एक प्लेट में रखती हूँ और फैन के नीचे पूरी रात भर के लिए इसको फैन के नीचे सूखने के लिए रख देंगे। और मसाला सुबह में मैं तैयार करें 1 चम्मच लौंग, 4 से 5 हरी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच मेथी दाना। और लो फ्लेम पे इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसमें से खुशबू आने लगे। उतना मसाला को भून लेना है अच्छे से। जब मसाला भून जाए तो इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। अब मैं मिक्सी की जार ले रही हूँ, इसमें मैं 150 ग्राम सरसों का दाना ले रही हूँ। पीला वाला सरसों और ब्लैक वाला सरसों दोनों मिक्स है। आप चाहे तो पीला वाला सरसों खाली ले सकते हैं या ब्लैक वाला भी सरसों लेके पीस सकते हैं। सरसों को मैं अच्छे से फाइन पेस्ट पीस के पाउडर तैयार कर ली हूँ। अब इसको एक पतीले में डाल देंगे पाउडर को। अब जो मसाला भून के रखे थे वो ठंडा हो गया है, उसको भी पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पीसेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से बारीक पीस लेना है। अब इसमें मसाला डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच जितना मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मंगरेल कलौंजी बोलते हैं उसको, और आधी चम्मच हींग डाल रही हूँ। 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हूँ, छिलका उतार ली हूँ। इसको दरदरा मिक्सी में पीस लूँगी, आप चाहे तो कूटने में भी इसको कूट सकते हैं। और इसको भी हम पतीले में जो मसाले डाले हैं उसमें डाल देंगे, लहसुन को भी। अब इसको बनाने के लिए तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के लिए मैं फ्राई पैन ली हूँ और फ्राई पैन को गरम करके 1/2 लीटर में रिफाइंड तेल यूज की हूँ। आप सरसों का भी तेल ले सकते हैं। अच्छे से तेल को गरम कर ली हूँ। तेल को गरम करते वक्त मैं खड़ा 5-7 लहसुन की कलियाँ भी डाल दी थी, उसमें लहसुन पक गया है, इसको भी डाल के और 4 से 5 कड़छी हम मसाले में डाल देंगे तेल और अच्छे से मिक्स करेंगे। गर्मा गर्म तेल डालेंगे और डाल के अच्छे से मिक्स करके ढक के हम आधा घंटा से 2 घंटा के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। 2 घंटा के बाद का सूट है फ्रेंड्स। इसमें 2 चम्मच में नमक डाली हूँ, काला नमक डाली हूँ, आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालिए। उसके बाद जो तेल हम गरम करके रखे थे उसको ठंडा करके मैं तेल को डाल रही हूँ फ्रेंड्स। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तेल में और मसाले को। और जो हम आम सुखा के रखे हैं उसको भी हम इसी पतीले में डाल देंगे तेल में और डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे आम को। फ्रेंड्स आम को अच्छे से सुखा लेना है तभी तेल में डालना है, नहीं तो बाद में आप अच्छा नहीं सूखा रहेगा आम तो बाद में अचार खराब होने लगेगा। इसलिए आप चाहे तो अच्छे से आम को धूप में भी सुखा सकते हैं। धूप में सुखाए तो 2 घंटा से 3 घंटा के लिए सुखाए और ढक के मैं एक पूरी रात भर के लिए आम को रख दी थी। आप देख सकते हैं अच्छे से आम का अचार बन गया है खाने लायक फ्रेंड्स, एकदम अच्छा बन गया है, आप खा सकते हैं। और मैं इसको जार में भर के धूप में रख दूंगी। पूरे 1 दिन हम धूप में अचार को हम पकाएंगे, जार में भर के हम धूप में पकाएंगे। अचार को जार में रखने से पहले जार को अच्छे से धो के हम सुखा लेंगे, उसके बाद ही अचार रखेंगे। और अच्छे से आम को मैं पूरा जार में भर दी हूँ और इसको धूप में रख देंगे सूखने के लिए। अगर फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे।